दोस्तों, पाचन से जुड़ी समस्याएं आज की लाइफ स्टाइल में आम हो गई है। कमज़ोर पाचन से कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, दस्त, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं होती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं पाचन को ठीक करने वाले घरेलू उपाय और डाइट के बारे में। लेकिन दोस्तों, पहले जानते हैं कि पाचन प्रणाली खराब होने के कारण क्या है। जंक फूड, फास्ट फूड और तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, समय पर खाना नहीं खाना और अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, शराब और एल्कोहल का सेवन, और डिप्रेशन या खराब लाइफ स्टाइल भी प्रमुख कारण है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पाचन को ठीक करने वाले कुछ घरेलू उपायों के बारे में। आप दिन में 2 बार छाछ में भुना जीरा और काला नमक डाल करके पिए, और सुबह शाम भूखे पेट एप्पल विनेगर यानी सेब के सिरके का सेवन करें, और खाना खाने के बाद आप 2-3 हरड़ को चबा करके खाएं। ये कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं में लाभकारी है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। और आपको अगर हरड़ चबा करके खाना पसंद नहीं है तो आप इसके चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं, या आप त्रिफला के चूर्ण को भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप डाइट में सौंफ, अदरक, नींबू, इलायची, शहद और दालचीनी को किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है और कई प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इनका प्रयोग होता है। और सुबह शाम भूखे पेट अगर आप आंवला और एलोवेरा का जूस ले सकें तो बेहतर है। और कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा करके खाना है, इससे पाचन रसों का स्राव होता है और पाचन प्रणाली भी मजबूत होती है। और आप भोजन को एक साथ ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। सुबह का नाश्ता आप ज़रूर करें और खाने में हल्की और सुपाच्य चीज़ों का शामिल करें, जैसे खिचड़ी, दलिया, फल में चीकू, सेब, ऑरेंज, और सब्जियों में टमाटर, लौकी, तोरई और परवल जैसी सब्जियों को शामिल करें। लिक्विड डाइट का भी पूरा ध्यान रखें, अपने शरीर में पानी की कमी को ना होने दें। नारियल पानी और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले गाजर और मौसमी का जूस को भी शामिल करें, और आप अपनी डाइट में दही को भी शामिल करें। दही में प्रीबायोटिक होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और आप खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट की वॉक जरूर करें। आप एक जगह पर अधिक देर के लिए ना बैठें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे सॉफ्टवेयर की एक्सरसाइज होती रहेगी। हमेशा अच्छी और पूरी नींद लें, चिंता और तनाव से दूर रहें, और सुबह आप मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन करें, जिससे इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी ठीक रहेगी और पाचन प्रणाली भी दुरुस्त होगी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।